नमस्कार, वीएसयू फूड सफारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं वेज कटलेट। नॉर्मली सभी लोगों को पसंद आने वाला आइटम, जो कि कई सारी सब्जियों को मिलाकर के बनता है और काफ़ी चटपटा, काफ़ी स्वाद लगा होता है। इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप एक बार नोट कर लीजिए। ये सभी इंग्रेडिएंट्स जो हैं, आप अपने हिसाब से इनको, इनकी मात्राएं अपने हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसी के लिए हमने केवल आइटम का नाम लिखा है, बाकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। चलिए अब हम मसाला बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलू लेंगे, इनको फोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, बारीक कटी हुई है, ज़्यादा बारीक भी नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक है। फिर डालेंगे हम हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मटर, हल्का सा बॉईल किया हुआ है थोड़ा सा जिससे कि आसानी रहे, गाजर कद्दूकस किया हुआ। अब हम डालेंगे इसमें नमक, लाल मिर्च स्वादानुसार, इनकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने थोड़ा मीडियम रखा है, जीरा, धनिया, अमचूर, चाट मसाला, गरम मसाला, काली मिर्च पिसी हुई है ये, अरारोट। अरारोट की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से करेंगे इसमें, क्योंकि ये बाइंडिंग एजेंट की तरह हम यूज़ करते हैं। और अब डालेंगे हम ब्रेड क्रम्ब। अरारोट और ब्रेड क्रम्ब जो है हमारा बाइंडिंग एजेंट है। अब हम इन्हें अच्छे से मिलाएंगे, इसको बिल्कुल, जो आलू हमने अभी फोड़े हैं उनको बिल्कुल बारीक कर देंगे जिससे कि बाइंडिंग में आसानी रहे। इसके लिए थोड़ा मेहनत वाला काम है लेकिन करेंगे इसको। ये देखिए आलूओं को लगातार फोड़ते रहना है, ये देखिए कितना बारीक हो गया अभी। और जब ये फाइनल होगा तो आपको इसका रंग भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि मिर्च वगैरह अपना रंग छोड़ देंगी और गाजर मिलकर के और अच्छा थोड़ा सा विजिबल अच्छा रहता है। ये देखिए हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इनको शेप देंगे। शेप देखिए, हमने इसमें तीन तरह का शेप दिया है इसमें, एक सिलेंड्रिकल, एक हमने गोल बनाया है टिक्की टाइप में, और एक बहुत छोटे छोटे बाइट साइज में। ये आप देखेंगे, सबसे पहले हम बना रहे हैं सिलेंड्रिकल। इसको थोड़ा सा हाथ से गोल करते हुए, इसको फैलाते हुए, इसको बिल्कुल चपटा करना है, एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास सिलेंड्रिकल बनाना है। ये देखिए ये पार्टियों का आइटम है, तो इसके लिए ये इसका थोड़ा चटपटा स्वादिष्ट होना जरूरी होता है। ये देखिए अब हम टिक्की टाइप का बना रहे हैं। ये नॉर्मली हम जो भी मैरिज वगैरह का प्रोग्राम करते हैं उसके स्नैक्स के अंदर ये कटलेट्स तो हमेशा रहते ही हैं, बस इसमें साइज डिफर कर जाता है, क्योंकि जब हमारा काम थोड़ा ये होता है कि सिटिंग अरेंजमेंट के साथ होता है तो हम उसमें थोड़ा बड़ा साइज रखते हैं। बाकी अगर हमें स्टार्टर में देना होता है तो हम इसमें बाइट साइज रखते हैं जिससे कि थोड़ा इजी रहे, लोग अपना आराम से खा सकें। तो देखिए हम बाइट साइज बना रहे हैं। ये छोटा साइज हुआ है नॉर्मल बड़ी शादियों में। जो सिलेंड्रिकल है ये नॉर्मली पार्टीज के अंदर जो या होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर सर्व करते हैं। बाकी इसकी एक शेप और है जो नॉर्मली यंग एज गाइस को, यंग एज बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है, वो हार्ट शेप में बनाते हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं कि हार्ट शेप बनाना चाहिए। हमारे बन चुके हैं, अब हम इन पर ब्रेड क्रम लगाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एक कटोरी में आटा, मैदा और पानी को मिलाएंगे जिससे कि इसके ऊपर क्रम को हम अच्छे से लगा सकें। ये मैदा हमने इसको घोल लिया है, प्लेन कर देना है। ये देखिए हमारी मैदा तैयार है। अब हम इसके अंदर
अपना जो ये कटलेट्स हैं इनको एक एक करके डुबोएंगे और इनको ब्रेड क्रम में डालेंगे, जिससे कि ब्रेड क्रम इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से करना है, लेकिन जब एंड होगा, जब इसको हम प्लेट में रखने वाले होंगे, उससे पहले हमें थोड़ा सा इसको हिलाना होगा, थोड़ा टैप करना होगा, जिससे कि जो एक्स्ट्रा क्रम है वो निकल सके। ये देखिए इस तरीके से हम निकालेंगे इसको, जो हमारे तेल को खराब ना करे। फर्स्ट क्लास। इसी तरह से हम बाकी सारे कटलेट्स को मैदा और क्रम में निकाल करके डालेंगे। टैप टैप करना जरूरी होता है, थोड़ा सा इसको शेक करते हैं तो जो एक्स्ट्रा क्रम होता है वो निकल जाता है। अब हम छोटे वालों को जो बाइट साइज हमने बनाए थे, अब उनको एक साथ डाल करके इनको हिलाएंगे। देखिए ये बढ़िया से एकदम हिला करके निकालना जरूरी है, जिससे कि तेल में एक्स्ट्रा ब्रेड ना आए, ये उसके लिए बहुत जरूरी होता है। ये हमारे सारे तैयार हो चुके हैं, हम उनको फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसको हमने हाई से मिड पे लेके जाना है, जिससे कि आराम से सिक सके। एक एक करके डालेंगे सावधानी के साथ, और इन्हें ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये दो या तीन बार हिलाएंगे तो अच्छे से सिक जाते हैं। और जो हमारी फ्लेम है वो मीडियम पे रहेगी, इसको हम हाई पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मीडियम से लो की तरफ जा सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मीडियम से हाई की तरफ नहीं जाएंगे। तेल में जिस समय हम कटलेट्स डाले हों सावधानी रखें। ये देखिए अब इन्हें धीरे एक दो बार हिलाएंगे, और सिकने के बाद में इनका लुक बहुत प्यारा लगता है। लगातार नहीं जाना, धीरे धीरे जाना, जिससे कि एक तरफ से जीना हो कि एक तरफ से जल जाए और एक तरफ से ना सके। जब ये करारे हो जाएंगे, क्योंकि मीडियम हम इसको फ्लेम पर सेकेंगे तो ये करारे हो जाते हैं, तो इसके लिए इसको चलाते हैं। ऑलमोस्ट डन है अब हमारा ये, लेकिन फिर भी हम इसको एक दो मिनट और उनको सेकेंगे। ये देखिए इनको निकाल निकाल करके देख लेते हैं एक बार दो बार, जिससे कि पता चले कि सिकने में कोई कमी तो नहीं रहेगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ही हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना और शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। और आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, जिससे हमें पता चले कि कोई कमी तो नहीं है। ये देखिए हमारे कटलेट सिक चुके हैं, हमें इन्हें निकालना है एक एक दो दो पीस करके, जिससे कि सावधानी से निकल सके। हमारे अब हम सबसे छोटे साइज के जो हमारे ब्रेड जो हमारे कटलेट्स हैं वो निकाल लें, और हम हमारे फाइनल हो चुके हैं, तैयार है हमारे वेज कटलेट्स। आशा आपको पसंद आएगी।